फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप अपना फेसबुक का पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपने फेसबुक पासवर्ड को दोबारा से कैसे बनाएंगे, या फिर फ्रेंड आप अपना पासवर्ड अगर फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे चेंज करेंगे। हाय फ्रेंड, आप देख रहे हो नाली दर्पण चैनल और इस वीडियो के साथ मैं हूं वीरेंद्र कुमार। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आप उसे बदलना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना जो फेसबुक एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। दोस्तों, पहले जो है थोड़ा सा प्रोसेस दूसरा था पासवर्ड चेंज करने का, या फिर पासवर्ड आप भूल गए हैं बदलने का, तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया। तो जब यहाँ पर अपना फेसबुक एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको फ़ोन नंबर अथवा ईमेल आईडी फिर पासवर्ड डालकर लॉगिन करने का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड पता नहीं है या फिर आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है कि सिंपली नीचे देखिए गेट कोड टू लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखिए ऑप्शन आ गया, यानी कि आपके मोबाइल में जो सिम लगा होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और मतलब ये बताएगा कहीं इस नंबर से आपका जो फेसबुक अकाउंट है, अगर है तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर करना है। अगर यहाँ पर देखिए आपका नंबर नहीं यहाँ पर ले रहा ऑटोमेटिक, तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि नॉट नाउ नॉट यू का ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिखेगा, तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर डालने का जो ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ आपको अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देना है। तो फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद आपको फाइंड यूर अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ एंटर करना होगा। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपके नंबर पर ओटीपी आ जाए उसके बाद यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक ओटीपी आ गया और ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट भी हो गया है। तो अब यहाँ पर हमें सिंपली जो है सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर बता रहा आप एक नया पासवर्ड अब बना लिए, देखिए टाइप ये न्यू पासवर्ड, तो आप यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बना लीजिए। तो आप पासवर्ड में कोई सा भी 6 अंक या 6 अंक से ज़्यादा आप रख सकते हैं, आप उसमें कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर के अक्षर भी रख सकते हैं, नंबर भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चलिए जो है कोई पासवर्ड एक बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद प्रोसेसिंग पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर देखिए रिमेंबर योर पासवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका पासवर्ड जो एप्लीकेशन जो है हमें बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े जब आप फेसबुक खोलें, तो इसे सीधा यहाँ पर ओके कर दीजिए ताकि आपका पासवर्ड जो है इस एप्लीकेशन में सेव रहे। यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, अब देखिए यहाँ पर लॉगिन हो रहा है। यहाँ पर देखिए हमारा जो फेसबुक था वो यहाँ पर दिखा रहा है किस नाम से आपका फेसबुक है। अब यहाँ पर देखिए सेव योर लॉगिन इन्फो, तो यहाँ पर आप यस या नो ओके या नॉट नाउ कर सकते हैं। अगर आप ओके कर देंगे तो आप जब भी इस एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, जैसे आप खोलेंगे तो ऑटोमेटिक आपका फेसबुक खुल जाएगा, पासवर्ड और नहीं डालना होगा। तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो फेसबुक है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने फेसबुक का पासवर्ड बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, या अगर आप भूल गए हैं तो आप नया पासवर्ड इसी पर